हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स माय नेम इज रुपेश शर्मा। स्टूडेंट्स अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कैसे कैसे अभिक्रियाओं के लिए कभी कभी कम ताप की जरूरत पड़ती है, अधिक ताप की जरूरत पड़ती है, आयतन में कमी हो तो क्या करना पड़ता है। उस कंडीशन के बाद हमें हैबर विधि को अगर देखना है तो यहाँ पर इसका डायग्राम बना है, मैं इसको समझा रहा हूँ और कंसंट्रेट रखें और इसको आप समझें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, 1:3 के अनुपात में लेते हैं। ये एक कंप्रेशर है, कंप्रेशर में दाब डालने पर 200 वायुमंडलीय दाब लेते हैं और ये एक शुष्कन व शोधन कक्ष है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मिश्रण डालता है वहाँ की अशुद्धियाँ दूर की जाती है। बहुत सारी बुकों में ये नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अशुद्धियाँ आगे पहुँच जाएंगी। आगे अगर पहुँच जाती हैं तो क्या होता है, आगे पहुँचने पर क्या होता है, उत्प्रेरक के कक्ष में जाकर ये उत्प्रेरक के कार्य में बाधा डालती हैं और समस्या पैदा करती हैं। मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, अभिक्रिया की गति को घटाता है। ठीक है, इसके होने पर उत्प्रेरक अपना कार्य करना कम कर देता है। इसके बाद ये शीतलक है, शीतलक का काम होता है कूलिंग, मतलब ठंडा करना, और गैस जब ठंडी होती है तो वो द्रव के रूप में प्राप्त होती है। जो गैस ठंडी होकर द्रव में नहीं बदल पाती उसको परसंचरण पंप द्वारा फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते रहते हैं। तो यही बात मैं यहाँ बताने आया हूँ, सुनते रहे। सर्वप्रथम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर 200 वायुमंडलीय दाब पर एक शुष्कन व शोधन कक्ष में प्रवाहित करते हैं ताकि मिश्रण में से उपस्थित अशुद्धियां दूर हो जाए। इन अशुद्धियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये आगे चल के उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करती है। इसके बाद ये आगे मिश्रण को एक उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में Fe उत्प्रेरक होता है, MO उत्प्रेरक वर्धक होता है, उत्प्रेरक वर्धक मतलब जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाए, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। इन तीनों की वजह से और मिश्रण के जाने पर तो इन जब ये मिश्रण इस कक्ष में जाता है तो मिश्रण की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है और इस अमोनिया गैस को आगे शीतलक द्वारा ठंडा करके द्रव रूप में प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसा भी मिश्रण होता है जो द्रव के रूप में नहीं बन पाता, उसको परसंचरण पंप द्वारा फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ये क्रम चलता रहता है और द्रव अमोनिया गैस प्राप्त होती रहती है। एक बार स्टूडेंट्स और ध्यान से सुनने से, सर्वप्रथम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर 200 वायुमंडलीय दाब पर एक शुष्कन व शोधन कक्ष में प्रवाहित करते हैं ताकि मिश्रण में से उपस्थित अशुद्धियां दूर हो जाएं। इन अशुद्धियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये आगे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में बाधा पहुंचाती हैं। इसके बाद मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में Fe उत्प्रेरक, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे होते हैं। इस कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनती है, जिसको आगे शीतलक द्वारा ठंडा करके द्रव रूप में प्राप्त कर लेते हैं। गैस का जो मिश्रण जो द्रव के रूप में नहीं बदल पाता उसको परसंचरण पंप द्वारा फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ये क्रम चलता रहता है और द्रव अमोनिया गैस प्राप्त होती रहती है। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से वीडियो को देखें और पढ़ें, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छी तरह से इसको याद रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।